वाल well, दोस्तों दो हजार रूपए का बजट एक काफी अफोर्डेबल बजट है अगर आपको स्मार्ट वॉच परचेज करना चाहते हो देन एंड रिसेंटली कुछ दिनों में काफी सारी स्मार्ट वॉचेस लॉन्च हुई है अंडर टू थाउजेंड रुपीज बजट बट उनमें से केवल पांच स्मार्ट वॉचेस मैंने सेलेक्ट किए हैं चाहे आपको एक राउंड डायल स्मार्ट वॉच चाहिए चाहे आपको स्कॉर्यड चाहिए या फिर आपको ब्लूटूथ कॉलिंग फीचर भी चाहिए देन मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड क्यूँकी वीडियो में डेफिनेटली आपको आपकी बेस्ट स्मार्ट वॉच अंडर टू थाउजेंड मिल जाएगी बाकी सभी स्मार्ट वॉचेस की लिंक तो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है बट वहाँ जाने से पहले मेक श्योर वीडियो को पूरा जरूर देख लेना एंड अगर आप दैटेक फ्रिक पे नए हो देन हिट द सब्सक्राइब बटन बगल वाले बेल आइकन को दबा दो ऑल गाइस चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड लिस्ट में नंबर फाइव पे आती है बोट की तरफ से वेव लाइट स्मार्ट वॉच बोट की ये जो स्मार्ट वॉच है ना कॉलिंग फीचर नहीं देती आपको बट काफी ज्यादा कंफर्टेबल एंड अच्छे बिल्ड में आ जाती है एंड लुक वाइज भी काफी ठीक लगती है यहाँ पर जो डिस्प्ले है आपको एक 1.69 पॉइंट का एच डिस्प्ले मिलता है जो की फाइव फिफ्टी की ब्राइटनेस के साथ आता है अब ये जो डिस्प्ले साइज है ना एक मीडियम है लाइक कईय में वन के आसपास आता है एंड कईयों में वन भी आता है बट मेरे ख्याल से ये डिस्प्ले साइज एक परफेक्ट साइज है आपके लिए स्ट्रेप क्वालिटी भी ठीक ठाक देता ही है वेट भी काफी लाइट है तो पहनने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली यहां पर जो सेंसर है वो लगभग सारे मिल जाते हैं जो सभी स्मार्ट वॉचेस में आते हैं लाइक रेट टू स्ली प्रूफ नहीं आती है यहाँ पर आपको आईपी सिक्सटी एट की डस्ट स्वेट एंड स्प्लेस रेजिस्टेंसी मिल जाती है आपको यहाँ पे अराउंड वन फोर्टी प्लस वॉच फेसेस मिलते हैं जो कि आप फोन के थ्रू इसमें डाउनलोड कर पाओगे मल्टीपल स्पोर्ट्स मोड मिल जाते हैं अराउंड दस के करीब एंड सेवन डेज का बैटरी लाइफ मिलता है ओवरऑल गाइज ये जो स्मार्ट वॉच है ना एक स्टैंडर्ड वॉच है लाइक इसमें ब्लूटूथ कॉलिंग फीचर नहीं है तो अगर आपको सिर्फ टाइम देखना है एंड हेल्थ ट्रैकिंग वगैरह चाहिए उसके लिए ये वॉच वॉच एकदम परफेक्ट है है इसमें आपको राउंड नॉब भी मिल जाता है जिसके थ्रू आप इसके फेसेस को चेंज कर सकते हो या फिर जितने भी एप्स वगैरह उनको ओपन कर पाओगे इस वॉच की प्राइस की बात करू तो एटीन हंड्रेड में आ जाती है अगर आपको एक सिंपल एंड स्लीक स्मार्ट वॉच लेनी है आपको स्मार्ट वॉच में ब्लूटूथ फीचर नहीं चाहिए बट बिल्ड एंड कंफर्ट अच्छा चाहिए देन आप बोट की ये वाली स्मार्ट वॉच ले सकते हो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन ब्लू नाउ गाइस हियर कम्स द नेक्स्ट वन जो कि नंबर 4 पे आ जाती है व्हिच इज फायरबोल्ट निंजा कॉल प्रो यार ये जो स्मार्ट वॉच है ना रिसेंटली लॉन्च्ड स्मार्ट वॉचेस में से एक है एंड काफी सही रिव्यू है इसका 1.69 इंचेस का एक एचडी डिस्प्ले मिल जाता है आपको बिल्ट इन वॉइस असिस्टेंट भी मिलता है मीनवाइल ये जो स्मार्ट वॉच है ब्लूटूथ कॉलिंग स्मार्ट वॉच है जिसमें आपको बिल्ट इन स्पीकर भी मिलेगा बिल्ट इन माइक भी मिल जाएगा आप इस वॉच से फोन को रिसीव कर सकते हो इसके थ्रू फोन्स को डायल कर सकते हो या फिर साउंड रिकॉर्डिंग वगैरह काफी सारे यूसेस आप इसमें कर पाओगे यहाँ पर आपको एमोलेड डिस्प्ले नहीं मिलती है हंड्रेड टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स मोड मिल जाते हैं बाकी सबसे फेमस फायर वोल्ट काफी चेंज कर सकते हो वॉल्यूम डाउन कर सकते हो काफी सारी चीजें कर पाओगे बैटरी लाइफ की बात करूँ तो विद ब्लूटूथ कॉलिंग आप इसको लगभग दो से तीन दिन चला सकते हो बट विदाउट कॉलिंग अराउंड फिफ्टीन डेज तक की बैटरी लाइफ ये दे देता है आपका लुक एंड बिल्ड इसका भी काफी ज्यादा कंफर्टेबल है लाइट वेट डिजाइन के साथ आता है बिकॉज ये ब्लूटूथ कॉलिंग स्मार्ट वॉच है यहाँ पर आप कॉन्टेक्ट को भी सिंक कर सकते हो इवन इसी में नहीं सारे ब्लूटूथ कॉलिंग स्मार्ट वॉच में फीचर होता है एंड भी स्पेशली इसका काफी सही लगा एंड जो एक्यूरेसी है वो नाइन्व तक की आती है जो की काफी सही है स्मार्ट वॉच में प्राइस की बात करूं तो ये स्मार्ट वॉच केवल दो में आ जाती है एंड ऑफर्स एंड डील्स में अराउंड पंद्रह सो तक भी देखने को मिली है बाकी का इस डिस्क्रिप्शन में लिंक है चेक इट आउट नाउ कम्स द थर्ड वन जो कि आपको हैमर की तरफ से पल्स एस प्रो मिल जाती है गाइस करंटली मैं इस स्मार्ट वॉच को यूज कर रहा हूँ जस्ट मैंने इसलिए ली थी ताकि मैं देख पाऊ कितनी सही है ये स्मार्ट वॉच तो देखो प्राइस के हिसाब से ना काफी सही बिल्ड में आती है सबसे पहली चीज एलोए बॉडी में आती है मेटल बॉडी है एंड स्ट्रैप क्वालिटी भी काफी ठीक है यार बॉक्स के अंदर आपको स्मार्ट वॉच विद स्ट्रेप एंड वायरलेस डॉकिंग चार्जर मिल जाता है मतलब की इस स्मार्ट वॉच को चार्ज करने के लिए बस आपको उस डॉक पे स्मार्ट वॉच को रख देना है ऑटोमेटिकली चार्जिंग शुरू हो जाती है या दो के बजट पे अगर मैं बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ ना तो काफी सही मिल ती है आपको वॉच में आपको दोनों बटन मिलते हैं एक राउंड नॉब मिल जाता है एंड एक पावर बटन मिलता है बाकी वॉच में आपको माइक स्पीकर दोनों मिल जाते हैं इसकी जो डिस्प्ले है वो वन पॉइंट की आती है एच डी डिस्प्ले आती है बाकी इसमें आपको ऑलवेज ऑन का फीचर भी मिलता है जो की स्मार्ट वॉच की काफी ठीक बात है बाकी इसके थ्रू भी आप कॉल्स कर सकते हो कॉल्स अटेंड कर सकते हो सारे ब्लूटूथ कॉलिंग फीचर्स मिलते हैं अराउंड सेवन डेज तक की बैटरी लाइफ मिलती है आपको एंड दो तीन दिन ये एवरेज यूज के हिसाब से चल जाती है बाकी इसमें आपको फिटनेस ट्रैकर्स सारे मिलते हैं लाइक एसपीओ टू सेंसर हार्ट रेट मॉनिटरिंग ब्लड प्रेशर चेक सब कुछ मिलता है बाकी इसमें आपको एडिशनली एक बॉडी टेम्परेचर मॉनिटरिंग भी मिल जाती है जिसके थ्रू स्मार्ट वॉच ट्रैक करके आपके बॉडी का टेम्परेचर भी बता देगी ये एक एडिशनल फीचर है जो इतनी सस्ती स्मार्ट वॉचेस में नहीं आता ओवरऑल का बात करूँ स्मार्ट वॉच की तो सारे फीचर अच्छे मिलते हैं इसमें बिल्ड एंड कंफर्ट के हिसाब से भी काफी ठीक है लेकिन यार बजट के हिसाब से काफी वैल्यू फॉर मनी लगी मेरे को इस स्मार्ट वॉच का प्राइस भी फिक्स टू थाउजेंड रुपीज है एंड ऑफर्स एंड डील्स में आपको पंद्रह सौ रुपए तक मिल जाती है आपको सारे फीचर्स मिल रहे हैं जो सभी में मिलते हैं इसका जो यू है वो भी काफी ठीक बिल्ट इन आपको चार तरह के गेम्स मिल जाते हैं IP67 की वाटर रेसिस्टेंसी मिलती है ओवरऑल मेरी तरफ से अगर आप वैल्यू फॉर मनी स्मार्ट वॉच लेना चाहते हो ब्रांड आपके लिए कोई कंसर्न नहीं है देन डेफिनेटली गो विद दिस वन अगर आपका बजट कम है देन आप इस स्मार्ट वॉच को ले सकते हो फॉर मैक्सिमम फीचर्स नाउ गाइस हियर कम्स कम्सती सेकंड वन जो कि नॉइस की पल्स गो बज आ जाती है यार ये जो स्मार्ट वॉच है ना ये भी 1.69 इंचेस के डिस्प्ले के साथ ही आती है डिस्प्ले टीएफटी आता है एंड 500 निट्स की ब्राइटनेस देता है लगभग ये जो स्मार्ट वॉच है ना कंफर्ट के हिसाब से इतनी ठीक नहीं लगी मेरे को प्लास्टिक बिल्ड में आती है पूरा जो फ्रेम है वो प्लास्टिक का आता है सेम राउंड नॉब मिल जाता है आपको ये भी ब्लूटूथ कॉलिंग स्मार्ट वॉच ही है इसका यू आई काफी ठीक है बट कम्फर्ट के हिसाब से इतनी अच्छी नहीं है स्ट्रेप क्वालिटी भी ठीक ठाक आती है इसमें आपको एक ट्रू सिंग फीचर मिल जाता है जिसके थ्रू बैटरी कंजप्शन कम हो जाता है एंड आपको स्मार्ट वॉच में थोड़ा ज्यादा बैटरी बैकअप मिल जाता है आपको सारे यूटिलिटी फीचर्स मिलते हैं लाइक वाटर रिमाइंडर वेदर फोरकास्ट वगैरह जो सभी स्मार्ट वॉचेस देती है नॉइस का हेल्थ सूट मिल जाता है जिसमें सभी तरह की ट्रैकिंग आ जाती है सिर्फ टेम्परेचर नहीं बताती है स्मार्ट वॉच बाकी सारे फीचर्स है डेढ़ सौ प्लस वॉच फेसेस है बाकी आपको कस्टमाइज वॉच फेसेस का ऑप्शन भी मिलता है हंड्रेड प्लस स्पोर्ट्स मोड मिल जाते हैं आईपी सिक्सटी एट रेजिस्टेंस आता है वॉटर प्रूफ नहीं है ये एंड कुछ चार से पांच अलग अलग कलर्स में आती है ओवरऑल ये जो स्मार्ट वॉच है अगर दो हजार रुपए में आपको मिल जाती है

बिल्कुल नहीं आने वाले इतने सारे स्पोर्ट मोड अपने कोई तीन या चार ही काम आते हैं मुश्किल से वन पॉइंट थ्री इंच का एक एच डी डिस्प्ले मिल जाता है आपको जो कि टी एफ टी डिस्प्ले सेम हैमर की तरह इसमें भी आपको चार तरह के गेम्स मिल जाएंगे क्विक एक्सेस डायल पैड मिल जाएगा कॉल स्ट्री सिंक वगैरह सब कुछ मिलता है इसमें आपको जो माइक मिलता है वो काफी ज्यादा ठीक लगता है मेरे को इन कम्पेरिजन टू नॉइस पल्स उसकी माइक क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं आती एंड जो हैमर पल्स एस प्रो है उसकी क्वालिटी भी काफी ठीक है बट सबसे बेस्ट फायर वर्ल्ड फिनिक्स देती है आपको सभी तरह के हेल्थ फीचर्स मिल जाते हैं आईपी सिक्सटी सेवन की रेटिंग मिल जाती है तीन अलग अलग कलर में आती है जिसमें से सबसे बेस्ट जो मेरे को लगा वो सिल्वर कलर है अराउंड पंद्रह हजार से भी ज्यादा लोगों ने तो सिर्फ रेटिंग दी है इसको फोर पॉइंट फाइव स्टार की तो यार मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है अगर आप दो हजार रूपए पूरे इन्वेस्ट कर रहे हो और आपको राउंड डायल इसके साथ में कोई स्मार्ट वॉच चाहिए देन फायर बोल्ट की ये वाली ले सकते हो इनका जो यू है वो भी काफी ठीक लगता है मेरे को इन कम्पेरिजन टू नॉइज वन बाकी यार चॉइस आपकी है अगर आपको राउंड डायल स्मार्ट वॉच चाहिए तो केवल एक ही ऑप्शन है आपके पास विच इज फायर बोल्ट अगर इन सब में सबसे बेस्ट चाहिए तो वो भी फायर वोल्ट ही है बट अगर आपको राउंड डायल स्मार्ट वॉच चाहिए विद ब्लूटूथ कॉलिंग देन तीन ऑप्शन में आपको बता चुका हूँ नॉइस हैमर एंड फायर निंजा परफेक्ट एक्यूरेसी के लिए फायरबोल्ट के साथ जा सकते हो एक्यूरेसी इतनी ज्यादा परफेक्ट नहीं चाहिए बट आपको फीचर्स मैक्सिमम चाहिए स्मार्ट वॉच में हैमर के साथ जा सकते सकते हो हो नहीं तो थर्डली आप नॉइस पल्स सेलेक्ट कर सकते हो, बट उसमें कंफर्टेबिलिटी इतनी अच्छी नहीं मिलती लास्टली जिसको ब्लूटूथ कॉलिंग स्मार्ट वॉच लेनी ही नहीं है उसको एक बेसिक सी स्मार्ट वॉच चाहिए बोट की वेव लाइट स्मार्ट वॉच ले लो परफेक्ट स्मार्ट वॉच है दोस्तों बस आज की इस वीडियो में इतना ही मैं मिलता तो हूं आप लोगों से जल्दी ही किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में